नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य के पाटनेचुरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय परिसर का दौरा कर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हुई अत्यधिक बर्फबारी से राजधानी शिमला पूरी तरह से देश दुनिया से कट गई है। हिमपात से यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। शिमला शहर से जुड़े 3 और प्रदेश से कुल 5 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। प्रदेश में 640 सड़कें और 2840 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। साथ ही 184 पेयजल योजनाएं भी ठप हो गई हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। वहीं एलन मस्क अब भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खिताब पर कायम है। कोरोना संक्रमण के देश के पिछले 24 घंटे में 286,384 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 573 मरीजों की जान चली गई है। इसके बाद देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,02,472 हो गई है। बुधवार को कोरोना वायरस के 285,914 नए केस सामने आए थे और 665 लोगों की जान गई थी। शैक्षणिक दस्तावेज के साथ होने वाली छेड़छाड़ और उसकी जांच पड़ताल से बचने के लिए यूजीसी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों को डिजी लॉकर से जुड़ने को कहा है। साथ ही इस पर उपलब्ध डिग्री मार्कशीट समेत दूसरे दस्तावेजों को वैध मानने को भी कहा है। लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र होविट्जर तोपों को सफलतापूर्वक तैनात करने के बाद अब चीन से लगने वाली सीमा के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भी इन भारी हथियारों की तैनाती करने की योजना बना रही है भारतीय सेना। भारतीय एजेंसियों ने विदेश में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। पकड़े गए आतंकवादी का नाम अबू बकर है, जो 1993 के ब्लास्ट में शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर प्रशंसा की है। संस्था की MD क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने केंद्र सरकार के बजट को बेहद समझबूझ के साथ तैयार किया गया और भविष्य केंद्रित बताया है। मध्य प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत में अब एक और नाम जुड़ गया है। होशंगाबाद के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम बदल के भोजपाल करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर श्रीनगर के जकूरा इलाके में हुआ। IGP कश्मीर के अनुसार मारे गए आतंकवादियों का संबंध कश्मीर के आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट से था। तो देश प्रदेश के इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।